बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। की हाल है मिठियां दा बग्गू गोशियां दा? दुआ है मेरी सारे ठीक ठाक हो। अच्छा जी, राती एक बड़ा अफसोसनाक वाकया होया मंडी बावलीन च, तहसील फालिया च। राती तशद्दुद भी होया मुड़े ते, उस तो बाद उन फैर मार के तो मार दिता गया। ते ए मंडी एक बारी मुंडो उदान हो गया। अफसोसनाक वाकया, जितने ही एदा मतलब मजम्मत की जाए उतनी कम है। देखो जी, बंदे ने मार के माणो चक अड्डे उत्ते सट दिता गया। ठीक है, बंदा मुड़ा सी पढ़े वाली का, 30 साल उसकी उम्र सी। ते बार बार रिक्वेस्ट करी दी है कि एक कतलो गारा चो ये की लगता है। ठीक है, हुण वेखो कितना वड्डा जुलम है। वो भी एक किसे दा भैणा दा भरा सी, किसे मां प्यो दा पुत्तर सी, कितना जुलम होया। ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट करी दी है। हकीकत है, मंडी जिला हर जिले ना उत्ते ले जा रहा सी। ठीक है, बाकी मामला चो मतलब हर लिहाज ना, लेकिन ऐ जड़ा रोज ओ कोई दिन नहीं जड़ा घुसदा नहीं जिदे वे रोज एक दो कतल नहीं होंदे। बड़ा मेहरबानी है, किता करो एक दूजे की बर्दाश्त किता करो। थोड़ी थोड़ी गल तो तुसी गुस्सा करते हो, एक दूजे का कतल करते हैं। इतना आ जाके की होंदा है? वेखो जी, कोई भी काम करिए, कतल करिए, जो भी करिए, आ जाके की होंदा? राजी नवा होंदा, एक दूजे दी नस्लां तबाह हो जानियां। ते हकीकत बहुत अफसोस होंदा है, बहुत। मैं दुआन सिर खुद दसना कि मैं भी मतलब बहुत ज्यादा तनकीद चो हाँ। ठीक है, लगते हाँ जी जानवा बेलियां मैं बर्दाश्त कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाक सबर। जड़ा बंदा सबर करता है, अल्लाह पाक उन दुनिया से भी सबर का फल देता, अगले जान भी देता। बेशक जी, बेशक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कतल के हवाले न भाई ने फरमा रहे सन के कतल जड़ा है वह वैसे भी एक गुनाह ही है। इतने भी उनकी सजा मिलनी और अगले अगे भी कबर में भी जाके मिलनी। उस तो बाद जिहड़ा कतल करता है उन सब तो पहले तो सोचना चाहिए कि मम्मी किसे दा पुत्र है। उन अपने आपे तो सोचना चाहिए या अपने घर वेख के सोचना चाहिए कि अगर मेरे नाल खुदा ना खास्ता कोई मसला पेश आता है तो मेरे घरदियां ते की वर्ती मेरी। अगर वो ये सोच लवे उस तो बाद बर्दाश्त वो कर सकता है। दूजे नंबर तो सर मैं एक ना दोनों इसके बारे चाहे जो बर्दाश्त नहीं मुड़े करते। मैं 2 दिन ना रात में बड़ी देर ना सुता, मोबाइल चलाद्या चला काफ़ी देर ना सुता। जो अगो सुबह यानी कि 3रे दिन मैं उठा, दिने कम शम किया, मैं महसूस किया कि अगर बंदा कोई भी थोड़ी जी मेरे नाल डाढ़ी जी गल करता है तो मैंने उस टाइम गुस्सा आ जाता है। गल करने का मकसद की है कि जिनकी बंदे की नींद नहीं ना पूरी होंगी, उनका दिमाग फ्रैश नहीं होंगे। बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम मामला है। फोन आ गए हैं हर बंदे को, टच मोबाइल है, उस तो बाद जो पैकेज लगे ने बंदे बड़ी बड़ी देर तक मोबाइल चलाते हैं, नींद नहीं पूरी होंगी। नींद नहीं पूरी होंगी तो फिर दिमाग जो फ्रैश नहीं होंगे। दिमाग फ्रैश नहीं होंगे तो फिर दिमाग के अजीबो गरीब ख्यालात भी आते हैं। ख्यालात के नाल अगर कोई गल करता ना, यानी कि कोई गुस्से वाली बंदा गल करता है, एक तो होंगे कि चलो कोई आपस जो बंदे गपशप ला रहे हैं उन्हें बच्चे ठीक है, लेकिन दूजी बारी कोई बंदा कोई गल करता ना तो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर होंगी है। तुम ड्राइवर हो, तुम शायद इस तरह का कभी महसूस होया हो, नींद ना पूरी हो चीजा होंगे ने। बिल्कुल, मेरी जनाब रिक्वेस्ट है सारे दोस्तों अगे कि मेहरबानी करके तो मोबाइल बंद करके जल्दी सुता करो ताकि ये जी वाकियात वकूवे हो रहे हैं, अल्लाह करे तो इस कुछ ना कुछ कमी हो। एक तो यह चीज़ मेन पॉइंट जो मेरे जहन में आया, बाकी फिर साड़िया दुश्मनियाँ अगे चलिया आ रही ने, थोड़ी थोड़ी गल की दुश्मनी, बिल्कुल छोटी छोटी गल दी जी। नस्लां तक चलदी, मोटरसाइकिल दो आ रहे ने, और सामने खलो गए ने, और जनाब आकड़ के खलो जाने दूआ घर जी, मैं नहीं हटाना, तू हटा, दूजे आने जी तू हटा, उत्थे जनाब दुश्मनियां शुरू हो गई। बिल्कुल, फिर कुछ दुश्मनियां जड़िया ने कॉलेजों तो स्कूलों तो शुरू होंदिया ने, बच्चे आपस के बच्चे आपस के लड़ते हैं, उत्थे जनाब वड्डे भी जनाब शुरू हो जाते हैं। अगर कोई बच्चे लड़ के आते हैं उन्हां दी गल बच्चों तक ही महदूद रहनी चाहिए है। अगर पहले तो चाहिए है कि वड्डे बंदे तक वो गल अगर अपड़ी है तो सुलह के पास चले, अगर सुलह नहीं भी हो रही तो बच्चों कम अज कम अपने अपने दूह घर समझाना कि यार इस तरह अच्छी बात नहीं है, तुम लड़ो तो थाने जावे,
थाने जावांगे ते तुहाडी मां बहन चाचियां ताईयां सारियां थाने आउण दियां जिन्हां दा तुसीं इज्जत करदे हो इहतराम करदे हो बहणां दा मावां दा अदब करदे हो इहतराम करदे हो बाहर दूजे बंदे नूं तुसीं वखाणा पसंद ना करदे ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦਾ ਛੋਰ ਸੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟੱਪਰੇ ਬਲਾਦਰੀਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੜੇ ਜਲਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨੇ अच्छा उस बंदे दा जिहड़ा बेटा सी ओ ना तंग आके ओ घर आया आके ते उस ना रैफल फड़ी ओदे वालद कोल को बंदे बैठे सी वालद दा माशाल्लाह बड़ा चौधरी सी वो जो दा मुड़ा जिहड़ा इक रात तो छोटा सी उस नाचा ओ छोटूरा में ना उस आख्या अब्बा उस आख्या पुत्रा जिहड़े काम तू चलिया ना मैनूं पता है पहलो इंज कर पहला मार मैनूं फैर उस तो बाद अंदर बैठी है मां बहना उन्हां ने मार गल ओदे ज़हन च आ गई उस आख्या पुत्रा तू ते उन मार छड़ते असी टुर जांदे जेल पिछे जेल जो कोई किसे नसल दा कोई किसे दा थाणिया विच किसे दा उन्हां तेरी मावां बहना ने गाली कढ़नियां ओह कढ़नियां ने उस विच साडे को बर्दाश्त नहीं होणियां ओदे नाल बेहतर ही उस उत्थे ही ना ओह बंदूक सट छड़े उस आख्या आने आला वेखी ये वक्त आना है छोरे ते फस जाने अल्लाह कीता छोर फस गया जेल जो दे मगर रिश्तेदार दूजा त्रीजा कोई ना जावे ठीक है जेड़ा तंग करदा सी जी जेड़ा तंग करदा सी हुण माशाल्लाह ओही बंदा साडे लोक हकीकत हुण को भावें 50 गाल भी कर लवे ना बोलदा नहीं बस सियाने आंदे ना मत मुल्ले नाल लभदी जा सबक आ गया असना होने मत मुल्ले नाल लभदी जे लभ जावे उन फिर मैं पता चल पीछे जा ना एक जगह दे कठे आस ते मैं बैठा सी बारो मैं भी आया उन मैं अच्छा ओए याद यू आंदा इन वाकया करीदा या करीदा हो सकता मैं तुहानु पता है मैं आज मेरा लौंड लोड कोई काम धंधा ना आई उस तो अलावा वेख रहा अलहमदुलिल्लाह अज वो मैं बंदा कामयाब होके विखाया मेरे को कारोबार है गड्डिया मेरा निजाम सही है उस आख्या हूँ मैंने कोई इतने बैठे हाँ मुँह है कितना मुल्क बैठा उस आख्या मैंने तुम हजार गाल भी काट छो मैं पता ही नहीं मेरे को लगो मैं वाह बंद मत मुले लगी लग गई है बारे में आखना चाहते ठीक है जी जो दोस्त साहब आप सुन रहे हैं वीडियो मेहरबानी करो बर्दाश्त करो निरा मंडी नहीं जिथे जिथे भी साड़ी आवाज़ जा रही है हर बंदा बर्दाश्त करने की कोशिश करे अगर किसी ने कोई गाल कढ़ दिंदा है एक मेरी चीज़ ज़हन च रखिया सर ने मैं कोई दिन दरस भी पढ़िया ना उत्थे सर ने सिखाया जाता है दसिया जाता है कोई तोहफा देंदा ना कोई तोहफा देंदा अगर वो चंगा ना ना लगे तो असी उन्हें या सट छड़ी दा तो या वापस कर देगा अगर कोई गाल कढ़दा है कोई बुरा भला आखदा कोई किस्म का तुम तोहफा दे रहा तुम नहीं पसंद है तो छड़ दिता है ठीक है वो अपना अपने कोल ही रखेगा ये चीज़ सोचनी कि जनाब एक सनगाल कर रहा है तो साड़ी माँ बहन जाके लग जाएगी अल्लाह माफ़ करे इस तरह नहीं हो सकता बिल्कुल भी इस तरह नहीं हो सकता अल्लाह पाक सब नू अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे बाकी हंसते रहो तो वसते रहो उचिया टाड़ा च रहो।